अदाकारा श्रद्धा कपूर के फैंस के लिए बॉलीवुड के गलियारों से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि श्रद्धा कपूर ने इच्छाधारी नागिन के ऊपर बनने वाली तीन फिल्मों की एक फिल्म सीरीज साइन की है, जिसे निर्माता निखिल द्विवेदी बनाएंगे। इस सीरीज में श्रद्धा कपूर लीड किरदार निभाती दिखेंगी। श्रद्धा कपूर के बारे में यह जानकारी एक लीडिंग डेली ने अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से दी है। लीडिंग डेली ने श्रद्धा कपूर से इस सीरीज के बारे में बात भी की है। चर्चा के दौरान अदाकारा ने बताया है कि वो यह सीरीज साइन करके काफी खुश हैं, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा किरदार निभाना चाहती थीं। श्रद्धा कपूर ने लीडिंग डेली को बताया है, मुझे खुशी है कि मैं स्क्रीन पर नागिन के अवतार में नजर आऊंगी। मैं इस तरह की फिल्में देखकर बड़ी हुई हूँ। श्रीदेवी मैम की निगाहें और नगीना मुझे काफी पसंद है। मैं हमेशा से ऐसा किरदार स्क्रीन पर पेश करना चाहती थी। इस सीरीज की कहानी देसी होगी और मुझे खुशी है कि मैं ऐसी कहानी का हिस्सा हूँ। श्रद्धा कपूर की इस ट्रायलॉजी में जबरदस्त VFX वर्क भी किया जाएगा। अदाकारा ने इस पर खुशी जताई है और बताया है कि वो इस तरह की फिल्म मेकिंग का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साहित है। रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि श्रद्धा कपूर स्टारर इस ट्रायलॉजी को मराठी डायरेक्टर विशाल फुरिया बनाएंगे। विशाल को मराठी सिनेमा में लापा छपी बनाने के लिए जाना जाता है। इस फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होगी यह अभी तक साफ नहीं है। आपको बता दें, एकता कपूर भी कुछ समय पहले एक ऐसी ही नागिन सीरीज बनाने की प्लानिंग कर रही थी। हालांकि वो फिल्म सीरीज कभी शुरू ही नहीं हो सकी। एकता कपूर उस सीरीज में कटरीना कैफ को साइन करना चाहती थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों में आम सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण यह प्रोजेक्ट लटका ही रह गया। हालांकि अब दर्शक श्रद्धा कपूर को नागिन के अवतार में देखेंगे। आप श्रद्धा कपूर की आने वाली इस फिल्म सीरीज के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बॉलीवुड की ऐसी ही ताजा गॉसिप के लिए बॉलीवुड लाइव का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।